दर्शन का अर्थ होता है सत्य की खोज, और जिस भी क्षेत्र में सत्य की खोज की जाती है वो अपने आप में एक दर्शन है। हम लोग बात करें हर एक क्षेत्र में सत्य की खोज की जा रही है। कुछ लोग धर्म में सत्य की खोज कर रहे हैं कि ईश्वर है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, आत्मा अमर है या अरे बात है नश्वर है, क्या है, स्वर्ग होता है या नहीं होता, वो लोग सत्य की खोज कर रहे हैं। वो भी अपने आप में एक दर्शन है, सत्य की खोज। हम सबके घरों में जो रोटियां बनती है ना, तवे पर जो रोटियां बनती हैं, वो भी एक फिलॉसफी है, क्योंकि रोटियों को कितने टेम्परेचर पर सेका जाए ताकि जलने भी ना पाए, टेस्टी भी हो, वो भी सत्य की खोज, वो भी एक फिलॉसफी है। सब्जी जो बनती है ना, नमक किस अनुपात में डाला जाए, मसाला किस अनुपात में, ताकि स्वादिष्ट बने, देखा होगा, वो भी सत्य की खोज ही तो है। वो भी अपने आप में क्या है, एक दर्शन है, सत्य की खोज। अक्सर देखा होगा कि लगातार साइंटिस्ट इस बात की खोज कर रहे हैं कि हम स्पीड को कैसे बढ़ा दें, हम प्लेन की स्पीड, अरे बात सुपरसोनिक हाइपरसोनिक प्लेन की बातें चल रही हैं, सत्य की खोज। वो भी अपने आप में एक दर्शन है। 2050 में हमारे टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा विकास होगा, तकनीक का कितना विकास हो जाएगा, हम कहां खड़े हो गए, सोचो जरा। नैनो रोबोट आपके ब्लड में छोड़ दिया जाएगा जो कोशिकाओं की रिपेयरिंग करेंगे, साइंटिस्ट ऐसा मानता है। पर नैनो रोबोट की खोज, अरे उसके पीछे चिंतन, वो भी अपने आप में एक दर्शन ही तो है। इसका मतलब क्या चीज है, जब आप दौड़ते हो ना, दौड़ते हो तो हमारे शरीर का झुकाव किस तरह होना ताकि हवा का प्रतिरोध सबसे कम हो, हमारी स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाए, वो भी अपने आप में क्या है, दर्शन है। सत्य की खोज तो वहां भी की जा रही है। अब सोचो जब हम सत्य की खोज करते हैं तो उसका निष्पक्ष और तार्किक विश्लेषण करते हैं, और तार्किक विश्लेषण के लिए हम तथ्य प्रमाण की मांग करते हैं। इसका मतलब ये तथ्य प्रमाण, फॉर एग्जाम्पल आप जब कोर्ट में जाते हो ना, कुछ गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं और साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जाता है, तथ्य और प्रमाण के आधार पर उस विषय का निष्पक्ष तार्किक विश्लेषण करके सत्य की खोज करना क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। अरे बात है, तो दर्शन का समान अर्थ होता है तथ्य प्रमाण के आधार पर उस विषय का निष्पक्ष तार्किक विश्लेषण करके सत्य की खोज करना। लेकिन हम जब दर्शन की बात करते हैं, अरे बात है, और दार्शनिक की बात करते हैं, तो एक चीज सोचो, दर्शन एक प्रकार का चिंतन होता है, चिंतन। तो जहां भी चिंतन होगा वहां दर्शन की बात अवश्य उठेगी। अब चिंतन कौन करेगा, जिसके पास विवेक होगा, और विवेक किसके पास है, मनुष्य के पास, क्योंकि मनुष्य विवेकशील है, और जहां विवेक होगा वहां चिंतन होगा, और जहां चिंतन होगा वहां दर्शन होगा। इसलिए दर्शन मानव के लिए है, अन्य किसी जीव जंतु के लिए दर्शन की बात नहीं की जाती है। तो जो मानव है वो चिंतन करता है, और जो चिंतन करता है वो दार्शनिक है। इसलिए हक्सले एक विचारक है, हक्सले ने ये कहा कि समाज का विभाजन दार्शनिक एवं अदार्शनिक के बीच नहीं होता। हक्सले ने ये कहा कि समाज का विभाजन दार्शनिक एवं अदार्शनिक के बीच नहीं होता है, बल्कि कम दार्शनिक एवं अधिक ध्यान से सुनिए इस बात को। हक्सले ने यह कहा कि समाज का विभाजन दार्शनिक और अदार्शनिक के बीच नहीं होता है, बल्कि समाज का विभाजन कम दार्शनिक एवं
अधिक दार्शनिक के बीच होता है। कोई ज्यादा दार्शनिक है और कोई कम दार्शनिक है। आखिर क्यों? क्योंकि हर एक मनुष्य चिंतन करता है और जहां चिंतन करेगा, जहां चिंतन की बात उठेगी, वहां दर्शन की बात अवश्य उठेगी। और दर्शन मानव के लिए है, अन्य किसी जीव जंतु के लिए दर्शन की बात नहीं की जाती। समझ वाली बात है? अब देखो, आप इस दर्शन को बात करेंगे, अंग्रेजी में कहा जाता है फिलॉसफी। इसे कहा जाता है फिलॉसफी, और फिलॉसफी का जो अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। ज्ञान के प्रति जो प्रेम है उसे फिलॉसफी कहा जाता है, और ज्ञान के प्रेमी को फिलॉसफर कहा जाता है। ध्यान देने इस बात को। तो ज्ञान के जो प्रति जो प्रेम है उसे कहा जाता है फिलॉसफी। आज हम ज्ञान के प्रति प्रेम की बात करेंगे तो जहां ज्ञान होगा वह चिंतन की बात अवश्य उठेगी, जहां ज्ञान होगा वह सत्य की बात अवश्य उठेगी। अरे बात है, तो जो सत्य है वह ज्ञान है और जो ज्ञान है वह सत्य है। इसका मतलब क्या है? ज्ञान के प्रति प्रेम होने का मतलब है सत्य के प्रति प्रेम, और सत्य के प्रति प्रेम होने का मतलब है सत्य की खोज, और सत्य की खोज क्या है? एक दर्शन है। इसलिए फिलॉसफी को कहा जाता है ज्ञान के प्रति प्रेम कहा जाता है। अब एक चीज सोचो, आप जब हम इस दर्शन की बात करेंगे तब के दर्शन शास्त्र में तीन चीजें हैं जिसका अध्ययन करना है। सबसे पहले हम बात करें अध्ययन करना है पहले तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स, दूसरा आपका ज्ञान मीमांसा, और तीसरा आपका आचार मीमांसा। ये तीन चीजों का अध्ययन करना है आपको, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आपका आचार मीमांसा। इन तीन बातों का अध्ययन करना है पूरी फिलॉसफी में। जब तत्व मीमांसा की बात करेंगे तो तत्व मीमांसा में मेटाफिजिक्स में क्या क्या आता है देखो आप। तत्व मीमांसा में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मेटाफिजिक्स में? तत्व मीमांसा का अर्थ होता है तत्व की मीमांसा। इसको हम ये कह सकते हैं द एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स का लो, चाहे फिजिकल एलिमेंट्स की बात करो चाहे स्पिरिचुअल एलिमेंट्स की बात करो आप, तत्व की मीमांसा। और तत्व की मीमांसा का अर्थ है तत्व का विश्लेषण। और जब तत्व के विश्लेषण की बात करेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे तत्व क्या है। हम इसकी बात करेंगे, हम तत्व के स्वरूप की बात करेंगे, हम तत्व के प्रकार की बात करेंगे तत्व मीमांसा में। तत्व क्या है, तत्व का स्वरूप क्या है, तत्व के प्रकार की बात की जाएगी। और तत्व में हम समानता जो बात करेंगे, तत्व में हम जगत की बात करेंगे, आत्मा की बात की जाएगी और ईश्वर की बात की जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब तत्व मीमांसा की बात की जाएगी तो तत्व मीमांसा में आत्मा, ईश्वर और जगत
तीन चीजों का अध्ययन करना है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है और जगत क्या है। इन तीन चीजों का अध्ययन करेंगे हम लोग चल के जगत में। ध्यान देना इस बात को, जगत, आत्मा और ईश्वर की बात करेंगे हम लोग। जब जगत की बात करेंगे तो जगत में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले जो पढ़ेंगे कि जगत का निर्माण या जगत का विकास, दो प्रश्न उठा, निर्माण होता है जगत का या जगत का विकास होता है। अब ध्यान देने इस बात को। दूसरी चीज हम बात करेंगे जगत के संदर्भ में, जगत में व्यवस्था। तीसरी चीज हम बात करेंगे जगत नित्य है या अनित्य है। ध्यान देखो इस बात को कि जब हम जगत की बात करेंगे, अरे जिस घर की बात करोगे तो जगत हम सबका घर है, तो घर बना कैसे है, घर का निर्माण होता है या घर का विकास होता है, पहली चीज। घर में व्यवस्था कहां से आती है और घर नित्य है कि अनित्य है, हम इसकी बात करेंगे। उसी तरह हम जब जगत की बात करेंगे तो दो प्रश्न उठा, जगत का निर्माण या जगत का विकास। विकास अपने जैसे पेड़ का विकास होता है, निर्माण नहीं होता, बीज से पेड़ अंकुरित होता है और पेड़ का विकास होता चला जाता है, पर घर का निर्माण होता है, ईंट से आरिबाते घर का निर्माण किया जाता है। प्रश्न ये उठा कि जगत अपने आप उत्पन्न हुआ है या जगत का निर्माण हुआ, आरिबाते। अब सोचो इसको लेकर दो मत है, एक ने ये कहा कि जगत का निर्माण और दूसरे ने यह कहा कि जगत का विकास। जो निर्माण की बात करता है उसे हम कहते हैं सृष्टिवाद और जो विकास की बात करता है उसे कहते हैं विकासवाद। जो निर्माण की बात करेगा उसे सृष्टिवाद और जो विकास की बात करेगा उसे विकासवाद कहते हैं हम लोग। और पूरे दर्शन में इसी पर डिबेट है कि जगत का विकास होता है कि जगत का निर्माण होता है। अब ध्यान से सुनो इस बात को, जगत का निर्माण है विकास, तो दो विचारधारा। पूरा दर्शन, कुछ दार्शनिकों ने कहा जगत का निर्माण होता है और कुछ लोगों ने कहा जगत का क्या होता है, विकास होता है। जब निर्माण का मुद्दा उठा तो जो निर्माण की बात करता है उसे सृष्टिवाद कहा जाता है। सृष्टिवाद, वाद एक ऐसी विचारधारा जो मानता है कि जगत की सृष्टि हुई है, रचना हुई है। और विकासवाद कहता है कि जगत का विकास होता है। जब सृष्टिवाद की बात करेंगे, निर्माण की बात करेंगे, तो दो प्रश्न उठा निर्माण को लेकर के, निर्माण कैसे, अरे बातें। अब ध्यान देना, निर्माण किससे होता है, अपने आप होता है या कोई करता है, गुड। तो दो प्रश्न है, एक ने कहा जगत का निर्माण अपने आप होता है और एक ने कहा ईश्वर करता है। तो दो, जब निर्माण की बात करोगे तो दो प्रश्न उठा कि जगत का निर्माण अपने आप या जगत का निर्माण ईश्वर द्वारा। देखो आप, इसी को लेकर बहस है कि निर्माण अपने आप होता है या जगत का निर्माण ईश्वर करता है, आखिर करता कौन है। जब जगत के निर्माण का मुद्दा उठा, ध्यान दो यहां लिख रहे हैं, जब जगत के निर्माण का मुद्दा उठा तो दो प्रश्न उठा, निर्माण अपने आप, अरे बात है अपने आप होता है तो हमेशा ध्यान दो पर किससे होता है, निर्माण अपने आप होता है तो किससे होता है, जगत का निर्माण किससे। जब किससे की बात की गई तो ज्यादातर दार्शनिकों ने कहा
कि जगत का जो निर्माण है जड़ परमाणु, और जड़ परमाणु के लिए जड़ परमाणु की बात की गई थी तो एक दार्शनिक है चार्वाक, चार्वाक ने कहा जो जड़ परमाणु है पृथ्वी जल वायु और अग्नि। और साइंस क्या मानता है? साइंस कहता हाइड्रोजन हीलियम के परमाणु। ठीक है, इसी को लेकर पूरे दर्शन में डिबेट है। ध्यान देने इस बात को, देखो आप तत्व क्या है। तत्व में तीन बातें हैं, जगत आत्मा और ईश्वर की बात उठी। जगत में तीन बातें हैं, जगत का निर्माण है विकास, जगत में व्यवस्था, जगत नित्य की अनित्य है। फिर एक प्रश्न, जगत का निर्माण है विकास, दो विचार, एक ने कहा जगत का निर्माण और दूसरे ने कहा जगत का विकास। अरे बातें जो जगत के निर्माण की बात करता है उसे हम सृष्टिवाद कहते हैं। तो प्रश्न ये उठा कि जगत का निर्माण अपने आप या जगत का निर्माण ईश्वर द्वारा। कुछ लोगों ने कहा अपने आप होता है, तो जिसने कहा अपने आप होता है तो निर्माण किससे होता है? कहा कि जड़ परमाणु, तो जड़ परमाणु में कौन है? कुछ ने कहा, यह पूरे दर्शन में डिबेट है, किसने कहा चार परमाणु पृथ्वी जल वायु और अग्नि की परमाणु से होता है, और किसी ने कहा साइंस क्या मानता है कि हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणुओं से जगत का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी को लेकर दर्शन में डिबेट है। जो लोग मानते हैं कि जगत का निर्माण ईश्वर द्वारा, तो दो प्रश्न उठा ईश्वर द्वारा, तो दो प्रश्न उठा। पहला प्रश्न उठा, ईश्वर अपने अंदर से जगत का निर्माण करता है या ईश्वर बाहर से कच्चा माल लेकर जगत का निर्माण करता है? ध्यान देने इस बात को, देखो दो प्रश्न उठा। ईश्वर अपने अंदर से जगत का निर्माण करता है, जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाले का निर्माण करती है, अरे इन लोगों ने यह कहा कि ईश्वर जड़ परमाणु से जगत का निर्माण करता है। इसी को लेकर दर्शन में वहां से कुछ दार्शनिकों ने कहा ईश्वर अपने अंदर से जगत का निर्माण करता है, जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाले का क्या करती है, निर्माण करती है। देखो आप ईश्वर अपने अंदर से जगत का निर्माण कर, जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाले का निर्माण करती है, और कुछ लोगों ने कहा नहीं ईश्वर बाहर से कच्चा माल लेकर जगत का निर्माण करता है, ईश्वर जड़ परमाणुओं से जगत का क्या करता है, निर्माण करता है। इसी को लेकर के दर्शन में डिबेट है। अब छोटा सा एग्जांपल लो, हमेशा जान चार्वाक एक फिलोसफर है, चार्वाक कहता है परमाणुओं से अपने आप जगत का निर्माण हो जाता है। न्याय दर्शन और वैशेषिक ये कहता है कि ईश्वर क्या करता है, परमाणु लेता है, परमाणुओं को जोड़ता है और जगत का निर्माण करता है। रामानुज एक दार्शनिक है, फिलोसफर आपके सिलेबस में है,
उन्होंने कहा नहीं, ईश्वर अपने अंदर से जगत का क्या करता है, निर्माण करता है। इसी को लेकर पूरे दर्शन में डिबेट है। अब ध्यान देना इस बात को, कुछ लोगों ने यह कहा कि जगत का विकास होता है, और जो विकासवाद की बात करता है सांख्य एक दर्शन दार्शनिक है। सांख्य दर्शन क्या कहता है कि प्रकृति से जगत का विकास होता है। जैसे ये कहा जाए ये प्रकृति है और इसी से क्या हो रहा है, जगत का निर्माण होता चला जा रहा है। सोचो ये जगत का निर्माण हो रहा है, जिसमें कह रहे कि बीज है, बीज से पौधा क्या होता है, अंकुरित होता है और बढ़ता चला जाता है। सोचो आप, तो सांख ने ये कहा ये प्रकृति है और ये जगत है, तो प्रकृति से जगत का विकास होता है। सांख ऐसा है, ऐसा दार्शनिक जिन्होंने विकासवाद की बात की, विकास का उन्होंने क्रम बताया है कि विकास कैसे होता है। मिटा दो। तो दर्शन में दो मत, पहली चीज जगत का निर्माण या जगत का विकास। अरे बात है, एक चीज ध्यान देना, चार्वाक जैन बौद्ध की बात करें, न्याय वैशेषिक रामानुज मध्वाचार्य सबने कहा जगत का निर्माण होता है, सांख्य का विकास होता है। निर्माण होता तो अपने आप होता, क्यों कोई करता है, इसको लेकर डिबेट हो गई। किसी ने कहा अपने आप होता है और किसी ने कहा नहीं अपने आप नहीं होता, ईश्वर मकड़ी की तरह है। अरे बात है, सोचो ईश्वर जगत का निर्माण करता है, प्रश्न ये उठा जगत का निर्माता ईश्वर है तो अपने अंदर से करता कि बाहर से कच्चा माल लेता है। किसी ने कहा अपने अंदर से करता, किसी ने कहा नहीं बाहर से कच्चा माल। इसी पर डिबेट है पूरे दर्शन में। अब एक चीज सोचो, फिर एक प्रश्न उठा कि जगत में व्यवस्था कहां से आती है। हम व्यवस्था की बात करें, आज जब व्यवस्था की बात करेंगे तो पूरा दर्शन दो भागों में डिवाइड हो गया, विशेषकर तीन भागों में। कुछ दार्शनिकों ने कहा जगत में व्यवस्था अपने आप, अपने आप ये मत है चार्वाक का। किसी ने कहा कि जगत में व्यवस्था कर्म सिद्धांत द्वारा, ये बौद्ध जैन के मानना है, और किसी ने कहा कि जगत में व्यवस्था ईश्वर द्वारा। ये तीन मत है पूरे भारतीय दर्शन में। कुछ लोग कहते हैं कि जगत में व्यवस्था अपने आप आती है, किसी ने कहा जगत में व्यवस्था कर्म सिद्धांत द्वारा, और किसी ने कहा जगत में व्यवस्था ईश्वर के द्वारा। मतलब तीन मत हैं जगत में व्यवस्था को लेकर, व्यवस्था अपने आप, व्यवस्था कर्म सिद्धांत द्वारा और व्यवस्था ईश्वर द्वारा। अरे बात थोड़ा ध्यान दो, चार्वाक कहता है कि व्यवस्था अपने आप आती है, ये परमाणु अपने आप जुड़ जाते हैं जगत में व्यवस्था आ जाती है। बहुत जैन आपके सिलेबस में इन्होंने ये कहा कि नहीं, जगत में व्यवस्था कर्म सिद्धांत से आती है, और कर्म सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक मानव को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कुछ लोगों ने कहा नहीं जगत में व्यवस्था ईश्वर से आती है। बिल्कुल, न्याय वैशेषिक रामानुज मध्वाचार्य, अरे बात है, ये तीन बातें पूरे दर्शन में। आप सोचो फिर एक प्रश्न कि जगत नित्य है अनित्य है, नित्य है या अनित्य है। तो सभी दार्शनिकों ने क्या कहा, जगत को अनित्य माना। अनित्य उसे कहते हैं जो नष्ट हो, और नित्य उसे कहते हैं जो नष्ट न हो। तो नित्य का अर्थ है जो नष्ट
ना हो। और अनित्य का अर्थ है जो नष्ट हो जाए, उसे कहते हैं अनित्य। नित्य उसे कहते हैं जो नष्ट ना हो, अनित्य उसे कहते हैं जो नष्ट हो जाए। आप ध्यान देने इस बात को, अब एक प्रश्न, आत्मा क्या है? जगत के बारे में इतनी बातें अध्ययन करेंगे, निर्माण कैसे होता है, व्यवस्था कहां से आती है, और जगत नष्ट होता है कि नहीं नष्ट होता है। अब सोचो, इस हम आत्मा की बात करेंगे, जब आत्मा की बात करेंगे तो सबसे पहले जो प्रश्न उठेगा, आत्मा का स्वरूप क्या है? स्वरूप, नेचर क्या आत्मा का? और जब आत्मा के नेचर की बात करेंगे, आत्मा के नेचर की जब बात करेंगे, तो दर्शन में एक डिबेट है। ज्यादातर दार्शनिकों ने कहा आत्मा चेतन है, चेतना की बात करें। ज्यादातर दर्शकों ने यह कहा एक आत्मा चेतन है। अच्छा, चेतना आत्मा का गुण है या लक्षण है? न्याय कहता आत्मा स्वरूपता अचेतन है, वो अलग चीज है। पर अधिकांश दार्शनिकों ने कहा आत्मा चेतन है। चेतन किसे कहते हैं? कॉन्शियस की बात करें, जहां चिंतन की क्षमता हो, स्व नियंत्रण की क्षमता हो। जैसे मैंने कहा चेतन, यदि चेतन की बात की जाए तो चेतन का अर्थ होता है चिंतन, के साथ स्वनियमन की क्षमता, इसे कहते हैं चेतन। अपने आप को रेगुलेट कर सके, हम उसे कहते हैं चेतन। जैसे एग्जांपल दें आपसे, हम सब चेतन प्राणी हैं कि हम अपने आप को रेगुलेट करते हैं। अरे बात है, ये मार्कर चेतन नहीं है, अपने आप को रेगुलेट नहीं करता, इसमें चिंतन की क्षमता नहीं होती। मैं जैसे चाहूंगा इसको उपयोग करूंगा, यह अचेतन, यह जड़ है। पर जो आत्मा है वो चेतन है, ठीक, आत्मा चेतन है, उसमें स्वचिंतन की क्षमता है आत्मा के अंदर। तो चिंतन की क्षमता के साथ जब स्वनियमन की क्षमता हो, सेल्फ रेगुलेशन की क्षमता हो, तो उसे कहते हैं चेतन। बात समझ में आ गई? तो चेतना का मतलब होता है जिसमें स्वचिंतन हो, चिंतन की क्षमता हो और स्वनियमन की क्षमता हो, उसे कहा जाता है चेतन। अब सोचो जरा, तो आत्मा चेतन, आत्मा की विशेषता क्या है? हम जब विशेषता की बात करेंगे तो यह कहा जाता है कि आत्मा ज्ञाता कर्ता एवं भोक्ता है। पहली चीज, आत्मा ज्ञान प्राप्त करती है, कर्म करती है एवं कर्म के फल का उपभोग करती है। पहली बात हम कहें आत्मा के बारे में, ठीक है, ज्ञाता कर्ता और भोक्ता है। दूसरी चीज, आत्मा एवं नित्य है, शरीर से भिन्न नित्य है, मतलब शरीर जड़ है जबकि आत्मा तो चेतन है। किसका? ज्ञाता का मतलब ज्ञान प्राप्त करता है, कर्ता का मतलब कर्म में भाग लेता है, अब भोक्ता का मतलब है वो भोग करता है। जैसे ये सोचो, ये तो भोग करेगा नहीं, ये तो जड़ है, जो चेतन सत्ता होगी वही तो भोग करेगी। और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो डेड बॉडी को कुछ खिलाओ क्या खाएगा वो, कुछ भी पढ़ाओ क्या पढ़ेगा वो, नहीं पढ़ पाएगा आत्मा, ठीक है। तो ये जो आत्मा है, ये ज्ञाता है, ये कर्ता है, और ये क्या आपका भोक्ता है।
आत्मा शरीर से भिन्न है एवं नित्य है। ज्ञाता का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करने वाला। जैसे हम सब लोग ज्ञाता हैं कि हम सब ज्ञान प्राप्त करते हैं। कर्ता का मतलब होता है जो कर्म करता है। अरे बातें ये वर्ड्स पूरी फिलॉसफी में इन शब्दों का प्रयोग बार बार होगा। और भोक्ता का मतलब क्या होता है? जो उपभोग करता है, कर्म के फल का उपभोग करता है, उसे कहते हैं भोक्ता। अरे बात, तो भोक्ता का अर्थ क्या है? जैसे ये कहा जाए ज्ञाता ज्ञान प्राप्त करने वाला। कर्ता क्या है? अरे बात है कर्म में भाग लेने वाला या कर्म करने वाला। और भोक्ता किसको कहते हैं? कर्म के फल का उपभोग करने वाला। अक्सर कहा जाता है कि सभी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अरे बात है तो कर्म के फल का उपभोग कौन करता है? आत्मा। तो ज्ञाता कर्ता और भोक्ता ये तीन बातें की जाती हैं। ज्ञाता ज्ञान प्राप्त, कर्ता कर्म में भाग लेने वाला है, कर्म करने वाला, और भोक्ता कर्म के फल का उपभोग करने वाला। अब एक चीज सोचो, ये तो विशेषता की बात करें हम लोग। ज्ञाता कर्ता भोक्ता आत्मा शरीर से भिन्न नित्य है, क्योंकि आत्मा तो नष्ट होती है, सॉरी शरीर तो नष्ट होता है किंतु आत्मा नष्ट। जिसे अक्सर सुना होगा देहांत शब्द का प्रयोग किया जाता है, देह का क्या हो गया? अंत हो गया। ये जो आत्मा की बात करें, आत्मा की सत्ता और सत्ता को सिद्ध करने के जो तर्क दिए जाते हैं, सत्ता पहली चीज ये कहा जाता है चेतना नामक गुण के आधार पर आत्मा की सत्ता सिद्ध। दूसरी चीज इंद्रियों के रूप में आत्मा की सत्ता सिद्ध। जो कॉमन तर्क है, अरे बातें, और कॉमन तर्क दिया जाता है शरीर के आत्मा की सत्ता सिद्ध। ध्यान से सुनो इस बात को। देखो आप, चेतना नामक गुण के आधार पर आत्मा की सत्ता स्थित, ठीक है? अभी तो चेतना, जब यह कहा जाए कहीं मीठापन है तो मिठाई की सत्ता सिद्ध होती है। आपकी आंखें बंद कर दी जाए, अब कोई कुछ मुंह में खिला दे तो पहचान जाओगे कि नमकीन है कि मिठाई है। आखिर कैसे पहचानते हैं? गुण के आधार पे। तो चेतना किसका गुण है? आत्मा का। तो चेतना नामक गुण के आधार पर आत्मा की सत्ता क्या होती है? सिद्ध होती है। नंबर दो, इंद्रियों की उपयोगकर्ता के रूप में आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। आंख कान नाक जीवा और त्वचा ये इंद्रियां हैं, इनका उपयोग करने वाला कोई ना कोई होगा, वो कौन है? आत्मा। अब जैसे मान लो आंखें हैं, मरने के बाद भी तो आंखें रहती हैं, कान भी रहता है, पर क्या आंखें देख पाती हैं? कान सुन नहीं पाता। तो वो जो आत्मा है उन कान का उपयोग करती है, आंखों का उपयोग करती है। हरी बातें, जीवा से क्या लेती है? आत्मा स्वाद लेती है। तो ये जो आत्मा है इसकी सत्ता कैसे सिद्ध हो रही है? इंद्रियों को उपयोगकर्ता के रूप में। और तीसरा, शरीर एक मशीन है और मशीन का कोई ना कोई चालक अवश्य होगा, वो चालक कौन है? आत्मा। अरे बात है, तो शरीर के चालक के रूप में आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। अब सोचो जरा, तो आत्मा की सत्ता है,
तो समानता तीन तर्क दिए जाते हैं आत्मा के बारे में, चेतना नामक गुण के आधार पर आत्मा की सत्ता सिद्ध, इंद्रियों के उपयोगकर्ता के रूप में आत्मा की सत्ता सिद्ध, और तीसरी बात कौन है, शरीर के संचालक के रूप में आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। ये सामान्यतः तीन तर्क ही दिए जाते हैं आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने के। अब एक चीज सोचो आप, फिर एक प्रश्न, आत्मा की संख्या, आत्मा एक है कि अनेक है? गुड। तो कहा जाता है कि आत्मा क्या है, अनेक है। तर्क क्या दिया गया है, जन्म मरण में भिन्नता। अरे बातें, बंधन एवं मोक्ष में भिन्नता, सक्रियता एवं निष्क्रियता में भिन्नता। अरे बातें, पहली बात ध्यान दो, अक्सर देखा जाए बहुत सारे इंद्रियों में अंतर के आधार पर भिन्नता, गुणों के आधार पर भिन्नता, जो कामन तर्क दिए जाते हैं आत्मा की संख्या, माना जाता कि आत्मा अनेक है। आत्मा एक नहीं बल्कि आत्मा क्या है, अनेक है। पहला तर्क, जन्म मरण में भिन्नता। एक चीज सोचो, कुछ जन्म ले रहे हैं कुछ मर रहे हैं, यदि आत्मा एक होती सभी एक साथ जन्म लेते या सभी एक साथ मरते? इसका मतलब क्या, गांव में देखा होगा किसी की मौत हुई और कोई छोटा भाई कोई बच्चा जन्म भी लिया, इसका मतलब सबकी आत्माएं क्या है, अलग अलग है। यदि आत्मा एक होती तो सभी एक साथ मरते या सभी एक साथ जन्म लेते, किंतु ऐसा नहीं होता है। नंबर दो, बंधन और मोक्ष में भिन्नता, कुछ बंधन ग्रस्त है और कुछ मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। बंधन ग्रस्त सुना होगा, जो दुख सहता है, मोक्ष जो दुखों से मुक्त हो चुका है। ठीक, ये कहा जाता है यदि आत्मा एक होती तो सभी बंधन ग्रस्त होते या सभी मोक्ष प्राप्त करते, किंतु ऐसा नहीं होता। तो बंधन मोक्ष में अंतर से यह बात इंगित होता है कि आत्मा अलग अलग है और अनेक है। तीसरा, सक्रियता और निष्क्रियता में भिन्नता, कुछ सक्रिय है कुछ निष्क्रिय है। हम बात करें कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं, इसका मतलब आत्मा क्या है, अलग अलग है और अनेक है। यदि आत्मा एक होती तो सभी एक साथ सक्रिय होते या सभी एक साथ क्या होते, सभी एक साथ क्या होते, जैसे सुना होगा सबकी सक्रियता अलग अलग है। कुछ आत्माएं क्लास में बैठी हैं, कुछ आत्माएं ऑफिस में बैठी होंगी, कुछ आत्माएं क्या होंगी, कहीं ड्यूटी कर रही होंगी। ये क्या इंगित कर रहा है, आत्मा अनेक है। बिल्कुल, शरीर में अंतर के आधार पर, शरीर में अंतर के आधार पर क्या होता है, जैसे ही किसी को मानव का शरीर, किसी को पक्षी का शरीर, किसी को पशु का शरीर मिला है। अरे बात है, यदि आत्मा एक होती तो सभी को मानव का शरीर मिलता, सभी को पक्षी का शरीर मिलता, इसका मतलब ऐसा तो है नहीं। ठीक, और दूसरी चीज, हम सभी लोग क्लास में बैठे हैं, सबके शारीरिक संगठन में क्या है, अंतर है। किसी की हाइट अच्छी है किसी की हाइट कम है। अरे बात है, कुछ मोटे हैं और कुछ क्या है, दुबले हैं, इसका मतलब क्या है। बिल्कुल, सबकी आत्मा अलग अलग है। हाँ, कुपोषित बिल्कुल, तो उनकी भी आत्मा क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये है, ये जो तर्क देते हैं जन्म मरण में भिन्नता, ये कामन तर्क है। कहा आत्मा एक होती तो सभी एक साथ जन्म लेते ये एक साथ मरते, किंतु ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, बंधन और मोक्ष में भिन्नता है, कुछ बंधन ग्रस्त है और कुछ मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। यदि आत्मा एक होती तो सभी बंधनग्रस्त होते या सभी मोक्ष प्राप्त कर चुके। तीसरी चीज, सक्रियता और निष्क्रियता में भिन्नता,
कुछ सक्रिय है और कुछ क्या है, निष्क्रिय है। यदि आत्मा एक होती तो सभी निष्क्रिय होते या सभी सक्रिय होते, देखा होगा। अच्छा, सबके कार्य भी अलग अलग है, कुछ चोरी कर रहे होंगे, कुछ पूजा कर रहे होंगे। नहीं, यदि आत्मा एक होती तो सभी चोरी करते या सभी क्या होते, पूजा करते, पर ऐसा तो है नहीं। अंत में देखा जाए शरीर में अंतर के आधार पर आत्मा की अनेकता क्या होती है, सिद्ध होती है। बातें समझ में आ गई। सत्ता के लिए क्या तर्क दिया आपने, शरीर के संचालक के रूप में आत्मा की सत्ता, क्योंकि शरीर तो मशीन है, मशीन को चलाने वाला कोई ना कोई तो चाहिए, वो चालक कौन है, आत्मा। जैसे देखा होगा जो आत्मा रूपी ड्राइवर निकलता है इस शरीर से, शरीर क्या हो जाती है, कबाड़ हो जाती है। अच्छा, कबाड़ को तो किलो भाव लोग बेच भी देते हैं, इस कबाड़ को लोग क्या करते हैं, जला देते हैं, मतलब किसी लायक ही एक। तो जब तक इसका ड्राइवर फिक्स है तब तक शरीर क्या होगी, चलती रहेगी। ड्राइवर निकला तो क्या हो गया, कबाड़ सीधे तक बिल्कुल, अब देखो आप तो उसको सीधे जला दिया जाता शरीर को, समझ वाली बात है। अब एक चीज सोचो, यही कहा जाता है कि इंद्रियों के उपयोगकर्ता के रूप में आत्मा की सत्ता, आंख कान नाक जीवा त्वचा इंद्रियां हैं, आत्मा इसका उपयोग करती है। आत्मा न रहे तो आंख देख नहीं पाएगी, कान सुन नहीं पाएगी। कभी देखा हो किसी की मौत होती है तो लोग आसपास रोते तो क्या कहते हैं, भाई आंख खोलो देखो, क्या देखेगा क्योंकि देखने वाला तो चला गया और लौट के आने वाला तो है नहीं, तो क्यों देखेगा। बातें समझ वाली बातें। डिस्टॉर्शन क्या कहता है कि आत्मा जब निकल जाती तो ऊपर जाके देखती है कि लोग बैठ के रो रहे हैं मेरे पास, तो वो भी आत्मा बेचारी दुखी होती है। तो अनात्माएं पूछती आकर के, तुम क्यों रो रही हो आत्मा, तो आत्मा का देखो ना, मैं इस शरीर की आत्मा हूं, निकल गई हूं इस शरीर से, और सभी लोग रो रहे हैं। तो भाई अनसारी आत्माएं उस आत्मा को समझाती, चिंता मत करो, हम भी शरीर छोड़ के आए, और दूसरा शरीर क्या होगा, धारण करेंगे, कब धारण करेंगे। यह जैसी हम लोग बातें कर रहे थे, जब भूतों से बात करो ना तो किसकी भूत हो, तो भूत बताता है मैं फलां का भूत हूं। तो इसका मतलब भूतों की पहचान भी शरीर के आधार पर, और आत्मा की पहचान भी शरीर के आधार पर होती है। ठीक, इतनी बातें पढ़नी आपको दर्शन में आत्मा के संबंध में। तीसरा देखो आप, तत्व मीमांसा में इन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे हम लोग, ईश्वर की बात करेंगे। जब ईश्वर की बात करेंगे तो पहली बात, हाँ जी कौन सा, आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने के तर्क। हाँ, तीन तर्क दिया जाता है। पहला तर्क, आप ये कैसे कहोगे कि आत्मा है, तो तर्क क्या देते हैं कि शरीर एक मशीन है, तो मशीन को चलाने वाला कोई ना कोई तो चाहिए, वो चालक कौन है, आत्मा। अभी चीत हो तो शरीर रूपी मशीन के चालक के रूप में आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि आत्मा तो चालक है, ड्राइवर है इस शरीर का। और जब तक शरीर चल रही है हम कहते हैं आत्मा है, शरीर चलना बंद इसका मतलब आत्मा क्या होगी। नंबर दो, आंख कान नाक जिह्वा त्वचा, ये सब क्या है बताओ, इंद्रियां है, इनका उपयोग करने वाला कोई ना कोई चाहिए, वो कौन करता है, आत्मा। आत्मा ही आंख से देखती है, आत्मा ही कान से सुनती है, आत्मा ही नाक से खुशबू लेती नहीं। और तीसरा कि चेतना नामक गुण के आधार पर आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। जैसे मैंने कहा मीठेपन के आधार पर मिठाई की सत्ता, नमकीनेपन के आधार पर किसकी सत्ता सिद्ध होती है, ठीक है, उसी तरह चेतना नामक गुण के आधार पर किसकी सत्ता सिद्ध होती है, आत्मा की। ठीक है, ये तीन तर्क दिया जाता आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने का। अच्छा, हम लोग इसकी क्या करेंगे टॉपिक में, इसी का केवल व्याख्या करना मुझे। जितने दार्शनिक पढ़ोगे ना, हर दार्शनिक में आत्मा की बात, आत्मा स्वरूप क्या है, आत्मा की संख्या क्या है, आत्मा की विशेषता क्या है, अध्ययन केवल इसी का करना है। अब ईश्वर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहली बात जब ईश्वर की बात करेंगे तो दो प्रश्न आया, ठीक है। पहली चीज
कि ईश्वर वरदान है कि अभिशाप। है क्या ईश्वर? दूसरे जो अध्ययन करेंगे हम लोग ईश्वर के संबंध में, ईश्वर मानव की रचना है या मानव ईश्वर की रचना है? तीसरे देखो जरा, ईश्वर एवं जगत में संबंध की बात करें हम लोग, इन्हीं चीजों का हम लोग ईश्वर के संबंध में अध्ययन करेंगे। अगली चीज ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के तर्क, ध्यान देने इस बात को, ईश्वर के संबंध में इन्हीं बातों का अध्ययन करना है। डिबेट यही है, ईश्वर वरदान है कि अभिशाप? दो मत, एक वर्ग ने कहा ईश्वर वरदान है, वरदान समझते हो ना, और दूसरे ने कहा अभिशाप है। जिसने कहा ईश्वर वरदान है, कहा ईश्वर समाज के लिए जरूरी है, क्योंकि ईश्वर के कारण ही मूल्यों की महत्ता है, ईश्वर के कारण ही लोग अच्छे लोग हैं, ईश्वर के कारण ही लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति डरा रहता है कि मैं बुरा कर्म करूंगा तो ईश्वर मुझे दंड देगा। कहा जाता है कि जो गलत कर्म करता है ईश्वर उसको कहां भेजेगा? नरक में। और नरक की कितनी भयावह कल्पना है, देखा होगा, इतनी भयावह कल्पना नरक की कि तंदूर में क्या होगा, एकदम खौलते तेल में आपको टाल दिया जाएगा, देखा होगा, एकदम पकौड़ी की तरह क्या हो जाएंगे एकदम तो क्या होगा, तंदूर चिकन की लोग मांग करते हैं, ये तंदूर ह्यूमन की बात की जाएगी, बिल्कुल नहीं। तो ये देखो मैंने क्या कहा कि कैसे हो रहा है, सोचो आप, अरे बात है, तो नरक की संकल्पना है और हर किसी को नरक के नाम पर डराया जाता है, ठीक है, कि तुम गलत कर्म करोगे तो ईश्वर तुमको कहां भेज देगा, नरक में। और नरक की कितनी भयावह कल्पना, देखा होगा कि नरक में एकदम डरावने लोग रहेंगे जो एकदम त्रिशूल तलवार सब लेके खड़े, जो पहुंचे आपको सीधे करेंगे और क्या करेंगे, कढ़ाई में देखिए ऐसी नरक की संकल्पना है। और स्वर्ग की कितनी खूबसूरत कल्पना है, स्वर्ग में न तो कभी गर्मी पड़ती है न तो कभी ठंड पड़ती है, ऐसा होता है, हाँ बिल्कुल, कितना अच्छा संकल्पना है स्वर्ग की। और स्वर्ग में तो स्थिति ये है, आप जाओ हमेशा, क्या कहते हैं, फरवरी मार्च का महीना, न गर्मी न ठंड, 56 भोग क्या होगा, मिलता रहेगा। और हद कर दिया कि सारे देवता बैठे हैं, उर्वशियां क्या कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, बस आनंद लो एकदम। जैसे इस्लाम में भी कहा गया हूर होती हैं, हूर क्या होते हैं, सुंदर स्त्रियां, और हूर परी, बिल्कुल। और हिंदू धर्म में क्या कहा गया, अप्सराएं होती हैं और वह नृत्य कर रही है, मतलब महिलाओं को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ा गया है, वो भी वह भोग की वस्तु है, आनंद की साधन है वो, अरी बात एक चीज। और इंद्र बैठे हुए हिंदू धर्म के कारी, सारे देवताओं की कुर्सी क्या है, लगी है, अरी बात एक। और स्वर्ग में तो जब आपको मनोरंजन करना है तुरंत उर्वशी का आदेश दो, नृत्य शुरू, अरी बात है, हाजिर दो 56 भोग आप चाहोगे। इस्लाम में क्या कहा गया, इस्लाम में जन्नत की क्या संकल्पना है, आपकी इच्छा मात्र से कबाब हाजिर, कबाब, एक बार मन में विचार पैदा हुआ हूर हाजिर, बिल्कुल नृत्य करेंगे आपका मनोरंजन करने के लिए। कितनी खूबसूरत स्वर्ग की संकल्पना है। अब ऐसे स्वर्ग का वर्णन होगा तो कौन नहीं जाना चाहेगा, इसे देखा होगा इस्लाम में ईसाई है तो हिंदू तीनों डराते हैं, स्वर्ग में जाना तो यह काम करो वरना तुमको कहां भेज दिया जाएगा, नरक में। और नरक के तो सोचो मत,
मैं देख रहा था बिल्कुल कि जब व्यक्ति नरक जाता है ना, जिन रास्तों से जाता है वो रास्ता कितना भयावह है। जानते क्या है, एक आग का दरिया है और जो सबसे बुरा काम करता है उसको आग के दरिया में घसीटते हुए ले जाते हैं, मतलब हाथ पर बांध देंगे और पीछे से जिस नहीं होता है घोड़े के पीछे बांधो घसीटता ले जाएगा, और 40-45 दिन तक आग के दरिया में सोचो रहा घसीटते हुए आत्मा को ले जाएंगे, कितना कष्ट होगा। जो थोड़ा सा अच्छा काम करके उसको ऊपर ऊपर ले जाएंगे, आग तभी लगेगी, एक आग के दरिया के आग में डुबाते हुए या दूसरे आग के ऊपर ले जाएंगे। आज और अच्छा काम करेगा उसको ऊपर ऊपर ले जाएंगे, लंबी छलांग मारेंगे सीधे उस पार चले जाओगे और सीधे कहां पहुंच गए, स्वर्ग पहुंच गए। हाँ, हाँ, नहीं ना, आत्मा नष्ट नहीं होगी, जलेगी नहीं। जैसे आपको मान लीजिए रोज 10 डंडा मारा जाए तो आप मरोगे नहीं, दर्द का एहसास तो गई, उसी तरह आत्मा जब आग के दरिया में जाएगी तो कष्ट तो होगा ही होगा, पर कितना सोचो 45 दिन तक कष्ट, कितना भयावह कष्ट होगा। आज जो अच्छे कर्म करते हैं स्वर्ग की संकल्पना, जो स्वर्ग में पहुंचे स्वर्ग के गेट पर अप्सराएं खड़ी हैं आपके स्वागत के लिए। बताओ जरा, और 56 भोग क्या हुआ लगा हुआ, इस तरह स्वर्ग का वर्णन है। जब इस तरह स्वर्ग का वर्णन होगा तो कौन नहीं जाना चाहेगा स्वर्ग। अब ये तो नहीं पता 56 भोग, बहुत सारे भोग खाने पीने चीजें होंगी, बहुत सारी मिठाइयां होंगी, क्यों नहीं नहीं। अब देखो आप स्वर्ग की जो संकल्पना है, हर धर्म में मैंने क्या क्या हर धर्म में जो स्वर्ग का वर्णन किया गया, स्वर्ग कैसा है तो बताया गया स्वर्ग ऐसा है जहां ऐसे लोग रहते हैं, यह सुविधा आपको क्या होती है। यदि आपसे कोई कहे स्वर्ग एकदम थार का रेगिस्तानी एरिया है, टेम्परेचर 50 डिग्री है, नमक रोटी मिलता है, क्या कोई स्वर्ग जाना चाहेगा। नहीं तो स्वर्ग का इतना खूबसूरत वर्णन कर दो कि हर कोई कहां जाने की इच्छा करे। बिल्कुल, अब देखो इनका जो प्रश्न है स्त्रियों के जा, अब मैं उनको भी स्वर्ग नरक जाना है, आत्मा जाएगी उसको भी स्वर्ग नरक जाना है। अरे बातें अब तो उसके बाद नहीं बताया गया स्वर्ग में क्या है, लेकिन उनको भी कष्ट होगा। हाँ, उनको भी 56 भोग मिलेगा, जाएंगे तो स्वर्ग ही नहीं, चोटी नहीं काटी जाएगी आत्मा की चोटी कहां होती हम लोग बात कर रहे थे जब तालिबानी ब्रेन वॉश कर रहे थे मुस्लिम युवाओं का कि तुमको बम विस्फोट करना है, तो जानते हो स्वर्ग का जन्नत का छोटा सा नजारा बनाए थे अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे, वहां एंट्री मस्त चिल्ड मौसम, जो मांगते थे वो उपलब्ध होता था। क्या कहा जाता था, अरे बातें आपको 24 घंटा कबाब खाने को चाहिए और हूर चाहिए तो जन्नत जाना होगा, इस जन्म में तो हूर मिलेगी नहीं तो जन्नत जाओ, और जन्नत कैसे जाओगे जब इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी दोगे, और इस्लाम के लिए कुर्बानी कैसे देना है, बिल्कुल जिहाद की बात करो, पब्लिक प्लेस पर बम विस्फोट करो। आप सोचो ऐसा हूर और जन्नत दिखाते थे तो हर युवा के अंदर जन्नत जाने की तीव्र इच्छा पैदा होती थी, ब्रेन वॉश बिल्कुल। तो स्वर्ग की संकल्पना देखो जरा, बातें समझ में आ गई। अब मुद्दा यह है कुछ लोगों ने कहा ईश्वर का होना जरूरी है, ईश्वर तो वरदान है क्योंकि ईश्वर से लोग डरते हैं, अच्छे काम करते हैं, यदि ईश्वर नहीं होगा तो ईश्वर का डर खत्म, और डर खत्म हो जाएगा तो लोग अच्छे काम नहीं करेंगे। नैतिक मूल्यों की महत्ता इसलिए है क्योंकि ईश्वर है। आगे बातें दूसरी बात ध्यान सुनो इस बात को। फिर एक प्रश्न, कुछ लोगों ने कहा नहीं अभिशाप है ईश्वर, अभिशाप क्यों है कि समाज में सबसे ज्यादा संघर्ष किसके नाम पर हुआ, ईश्वर के नाम पर। सांप्रदायिक दंगे भी किसके नाम पे, ईश्वर के नाम पे, लोग मंदिर मस्जिद गुड। अब भारत के जितने बाबा लोग हैं ईश्वर के नाम पर मानव जाति का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। हम लोग बात किए थे
कि हर बाबा के जितने भी शिष्य हैं उसमें महिलाओं की संख्या क्या है, ज्यादा होती है, और महिलाओं को जल्दी स्वर्ग चाहिए, तो बाबा के शरण में क्या करना होगा, जाना ही होगा। समझ मेरी बात है? इस अक्सर सुना होगा, अब बाबा लोग ही स्वर्ग में जाने का रास्ता बता सकते बातें। कुछ लोगों ने कहा ईश्वर के नाम पर मानव जाति का सबसे ज्यादा शोषण हुआ। नहीं, ईश्वर के नाम पर बिल्कुल अंधविश्वास को प्रमोट किया गया, सब कुछ ईश्वर के नाम पे। ऐसे कुछ लोगों ने यह कहा ईश्वर सबसे घृणित प्राणी है। अरे बातें, समाज का सबसे कोई गंदा जानवर है तो कौन है ईश्वर, इससे बेहतर ईश्वर मर जाता तो कितना अच्छा होता। अरी बातें, कुछ लोगों ने कहा उसको मारो, इतना नीचे दफन कर दो दोबारा वो उठ के ना आ पाए। ईश्वर की बात करें लोग, नित्य कहता ईश्वर मर चुका है, था पर अब मर गया। अरी बातें, और किसी ने कहा ईश्वर मरेगा ही नहीं, इसी को लेकर दर्शन में डिबेट है। दूसरा मुद्दा ये उठा, देखो ईश्वर मानव की रचना है या मानव ईश्वर की रचना है, मतलब मानव ने ईश्वर को बनाया या ईश्वर ने मानव को बनाया। डिबेट ये कि धर्म कहते हैं कि ईश्वर आया, ईश्वर ने जगत का निर्माण किया और जगत में मानव की रचना की, और जितने जीव जंतु हैं उसकी रचना किसने की, ईश्वर ने की। तो जो जितने हर जीव जंतु ईश्वर की रचना है, पर कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं कुछ लोगों ने क्या कहा कि नहीं मानव ईश्वर की रचना नहीं है बल्कि ईश्वर मानव की रचना है, मानव ने ईश्वर का निर्माण किया है। पूछा गया ये कैसे, मानव ईश्वर का निर्माण कैसे कर सकता, इनका तर्क क्या है कि मानव चिंतनशील है, मानव यह चिंतन करता है कि मेरे अंदर ज्ञान है, शक्ति है, किंतु अपूर्ण रूप में। कोई ऐसी सत्ता जरूर होगी जिसमें ज्ञान और शक्ति की पूर्णता होगी, उस सत्ता को क्या नाम दिया गया, ईश्वर। क्योंकि मानव की शक्ति सीमित है, तब ये चिंतन करते हैं कोई ऐसी सत्ता होगी जिसके अंदर ज्ञान असीमित होगा, वो सत्ता ईश्वर है। बात समझ में आ गई? तो यह कहा गया कि जो ईश्वर है मानव के चिंतन का प्रतिफल है। दूसरी चीज देखो जरा, कि हम दुनिया के जितने भी हैं जगह, अरे बात है, अलग अलग परिवेश में ईश्वर के लिए अलग अलग नियम निर्धारित किए गए। इस्लाम का उदय मध्य एशिया में हुआ, उसके नियम अलग है। हिंदुत्व बौद्ध जैन का उदय कहीं और हुआ, उसके नियम अलग है। ईसाइत के नियम क्या है, अलग है। और सबकी पूजा पद्धति भी क्या है, अलग अलग है। इसलिए क्या हुआ कि मानव ने क्या किया, अपनी सुविधा के अनुरूप ईश्वर की रचना की और उसकी पूजा पाठ शुरू कर दिया। सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा होगा कि हिंदू धर्म में जितने भी भगवान हैं उनके परंपरागत अस्त्र क्या है, त्रिशूल, तलवार। सुना होगा, तो पहले जब लोग लड़ते थे तो हथियार क्या था, त्रिशूल तलवार। पहले का जो पहनावा था पुरुषों के लिए धोती, तो राम को क्या पहना दिया, धोती पहना दिया। महिलाओं के लिए वस्त्र क्या था, साड़ी। तो फिर हमने क्या किया, देवियों को क्या पहना दिया, साड़ी। अरे बातें, अच्छा महिलाओं को आभूषण बहुत प्रिय होता है, तो सारी देवियों को हमने क्या कर दिया, आभूषण दे दिया। और सौंदर्य के जितने मानक हैं वो सारे मानक देवियों में क्या कर दिया, हमने आरोपित कर दिया। देखा होगा आज तक के भी किसी भी देवी को देखो, उनको वस्त्र दिखाया गया है, बिल्कुल नहीं, उनको बहुत ही सुंदर दिखाया जाता है। क्यों सुंदर, क्योंकि मानव जाति सौंदर्य के प्रति क्या होती है, आकर्षित होती है। तब ने कहा हमारे भगवान हमारी देवियां बहुत सुंदर होती है, ठीक है। अच्छा उस समय जो सवारियां होती थी, घोड़ा होता था, उड़ने वाले पक्षी जो भी, यही सवारियां थी। तब ने वो सवारी दे दी भगवान को। यदि आज भगवान की संकल्पना होती, बिल्कुल मिसाइल होता, और राम के हाथ में, अब भगवान राम भी सूट बूट में होते, टॉप जींस में होते,
और भाई जितनी देवियां उनको भी टॉप स्कर्ट में दिखाया जाता। हाँ बिल्कुल, यदि आज भगवान की तस्वीर बनाई जाती तो। इसलिए ये कहा गया था वस्तु जो ईश्वर है वो मानव की क्या है रचना है, और होड़ लगती किसके देवी ज्यादा एडवांस है नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, इसे अक्सर देखा होगा, सिंपल चीज है, बात करें एकदम। ये जो ईश्वर है जो देवियां हैं मानव की चिंतन का प्रतिफल है। इससे पहले संस्कृत बोली जाती थी तो भगवान से बात करने की भाषा क्या थी, संस्कृत। जैसे आज भी जो पूजा पाठ होते हैं संस्कृत में होते हैं, श्लोक किसमें होते हैं संस्कृत में होते हैं। इस्लाम में क्या होता है, उस समय उर्दू कहां थी, अरबी। तो आज भी जो कुरान पढ़ी जाती है अरबी में पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है अरबी में पढ़ी जाती है, क्योंकि माना जाता था अल्लाह का आदेश। समझ वाली बात है, उन्होंने अरबी में संदेश दिया और मोहम्मद साहब ने उनके संदेशों को लिपिबद्ध कर दिया। बाइबिल किसमें लिखा गया था, हिब्रू में, हिब्रू भाषा में जो बाइबिल पहली बाइबिल थी। तो आज भी चर्च में जो पूजा करने वाले लोग हैं हिब्रू भाषा को, कोशिश यही होती है। इसे देखा होगा मंदिर का पुरोहित उसको संस्कृत आना जरूरी है नहीं, मस्जिद के मौलवी को अरबी आना जरूरी है ताकि कुरान कैसे पढ़ेगा। कि अलग चीज, कुरान हिंदी में भी आ गया, अंग्रेजी में भी आ गया और उर्दू में भी आ गया, वो अलग चीज है, ट्रांसलेशन हुआ। पर मूल जो पाठ होता है कि उस समय भाषा किसकी कौन सी थी, अरबी। अब एक चीज बताओ, प्रश्न ये कि जब भगवान एक ही है तो अलग अलग संदेश क्यों दिया, समस्या खड़ी हुई, अलग अलग संदेश क्यों दिया। दूसरी चीज, अलग अलग भाषा क्यों बोलता है। अरे बात है, और बड़ा सा रीजन ये है कि यदि ईश्वर एक है और उसी ने सारे धर्म ग्रंथ लिखा है तो अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग संदेश क्यों बिखा होगा। और यहां क्या होगा कि हर देवी देवता की पूजा पद्धति क्या है, अलग है। हर गांव के अलग देवी देवता है, देखा होगा हर गांव में देवता क्या है, अलग अलग है। और उनकी पूजा पद्धति भी क्या है, अलग है। कहीं बलि दी जाती है, कहीं लड्डू से काम चला लिया जाता है, और गांव के व्यक्ति तो बतासा से काम चला लेता है। बतासा समझते हो ना, वही चढ़ाता है भगवान को, मान लेता भगवान खुश हो गए। उनको क्या पता आज के भगवान भी एडवांस है, उनको भी काजू की बर्फी चढ़ानी चाहिए, रसगुल्ला चढ़ाना चाहिए। समझ मेरी बात है, पर भक्त भी कितना हो गया कंजूस। अब एक चीज बताओ, भगवान तो उन्हीं की प्रार्थना सुनेगा जो उनकी मनपसंद चढ़ावा चढ़ाएगा। अब मनपसंद क्या है, बिल्कुल नहीं कुछ, लड्डू तो है। अब लड्डू पसंद है चढ़ाओगे बतासा। अब मंदिरों में देखा होगा जब जो जाओगे प्रसाद चढ़ाने, प्रसाद रखा जाएगा, पर्दा गिरा दिया जाएगा कि भगवान सबके सामने भोग नहीं लगाते, अकेले लगाते। तो कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि ईश्वर भी मानव के चिंतन का क्या है, प्रतिफल है। अगला देखो आप, ईश्वर जगत में संबंध, डिबेट इसको लेकर है कि ईश्वर ने जगत का निर्माण किया। तो प्रश्न ये उठा, क्यों किया और किससे किया। तो कुछ लोगों ने कहा ईश्वर परमाणु लिया और परमाणु को जोड़कर जगत क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। इसी को लेकर दर्शन में क्या है, डिबेट है। और ईश्वर की सत्ता को जो सिद्ध करने के तर्क है, पाला जो तर्क है, कार्य कारण मूलक तर्क, नैतिक मूलक तर्क, इन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे हम लोग। देखो आप, जब हम कार्यकाल मूलक तर्क की बात करेंगे हम लोग, देखो ये क्या है, ये तर्क क्या है, जगत रूपी कार्य के आधार पर
कारण के रूप में ईश्वर की सत्ता सिद्ध करना। ध्यान देना, कार्य कारण मूलक तर्क क्या है? जगत एक कार्य है, इस कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होगा। तो जगत रूपी कार्य के आधार पर कारण के रूप में ईश्वर की सत्ता सिद्ध करना। जैसे मूर्ति है तो मूर्तिकार होगा, मकान है तो मकान का निर्माता होगा, जगत है तो जगत का भी निर्माता होगा। जगत बहुत बड़ा है तो उसका निर्माता भी क्या होगा? बड़ा होगा। वो बड़ा निर्माता कौन है? ईश्वर। क्लियर? प्रयोजन मूलक तर्क क्या है? देखो आप, ये तर्क क्या है, कहता क्या है? जगत में विद्यमान व्यवस्था, समायोजन और अनुशासन के आधार पर व्यवस्थापक समायोजन करता और अनुशासनकर्ता के रूप में, सोचो रूप में ईश्वर की सत्ता सिद्ध करना। ध्यान देने इस बात को। देखो व्यवस्था होगी तो व्यवस्थापक होगा, समायोजन होगा तो समायोजनकर्ता होगा, अनुशासन होगा तो अनुशासनकर्ता होगा। तो यह जो जगत है, जगत में व्यवस्था है, जगत में समायोजन है और जगत में अनुशासन है। तो व्यवस्था से व्यवस्थापक, समायोजन से समायोजनकर्ता और अनुशासन से अनुशासनकर्ता के रूप में ईश्वर की सत्ता सिद्ध करना ही प्रयोजन मूलक तर्क कहलाता है। अरे बात, जहां भी व्यवस्था होगी तो व्यवस्थापक जरूर होगा, अनुशासन होगा तो अनुशासनकर्ता भी क्या होगा? जरूर होगा। हो जाएगी बातें? अब एक चीज सोचो जरा, मिटा दो। देखो आप, नैतिक मूलक तर्क क्या है? नैतिक मूल्यों की महत्ता एवं आधार के रूप में ये इसी के चल के अध्ययन करेंगे हम लोग। नैतिक मूल्य, मूल्यों की महत्ता ईश्वर के बिना संभव नहीं है। जैसे सत्य बोलो, हिंसा मत करो, सहयोग करो, इन मूल्यों की महत्ता कब है? जब ईश्वर की सत्ता स्वीकार की जाए। बिना ईश्वर के इन मूल्यों की महत्ता नहीं रह जाएगी। हरी बात, कार्यकरण मूलक तर्क, प्रयोजन मूलक तर्क और नैतिक मूलक तर्क, इसी का चल के अध्ययन करेंगे हम लोग दर्शन में। बात समझ आ गई? सबको समझ वाली बात पीछे समझ वाली बेटा? हाँ, नैतिक मूलक तर्क क्या है? नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य क्या होता है? प्रेम करो, सत्य बोलो, दूसरों का सहयोग करो, हिंसा मत करो, ये नैतिक मूल्य है। इन मूल्यों की महत्ता कब होगी? जब ईश्वर को माना जाए। क्यों? क्योंकि ईश्वर है तो प्रत्येक मानव को उसके कर्मों का फल
अवश्य देगा। बुरे कर्मों का फल बुरा और अच्छे कर्मों का फल। तो लोग ईश्वर के कारण इन मूल्यों को मानते हैं। इस एग्जांपल है, आप बहुत पावरफुल है, जो चाहे वो कर सकते हैं, फिर भी आपकी कोशिश होगी कि मैं झूठ ना बोलूं। ऐसा क्यों? बात समझ में आ गई? चलो आप मिटा दूं।